Hello, welcome to beingguru.com. Today we are going to study a very important topic in operation research called Markov chain. तो देखिए Markov chain होता क्या है कि एक random process जिसमें occurrence of future state depend किस पे करेगी, immediate preceding state पे depend करेगी और केवल उसी पे depend करेगी. तो इस type की process को हम क्या बोलते हैं, Markov chain बोलते हैं. कहने का मतलब है कि जो भी हमारा next event रहेगा, है ना, जैसे future state को हम मान लें कि ये हमारा next state है, ठीक है, तो ये किस पे depend करेगा, करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट स्टेट पे डिपेंड करेगी. ठीक, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मार्कोव चेन बोलेंगे. अब मार्कोव चेन का बेसिकली हम यूज कहां करते हैं, तो देखिए अगर हमें कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, अगर ब्रांड की लॉयल्टी में हमें कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है और उसका स्विचिंग पैटर्न देखना है कि किस ब्रांड से वो किस ब्रांड पे स्विच हुआ, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मार्कोव चेन का यूज करते हैं. दूसरा, अगर हमें देखना है कि कोई मशीन जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो भी हम वहां किसका यूज करेंगे, मार्कोव चेन का यूज करेंगे. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है स्टेट. अब स्टेट का मतलब होता क्या है, फ्यूचर स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये होता क्या है, तो ये स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट एक कंडीशन होती है या लोकेशन होती है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसमें, सिस्टम में, एट ए पर्टिकुलर टाइम. तो स्टेट क्या होगी, एक कंडीशन होगी या लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट की, सिस्टम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में. तो ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ब्रांड लॉयल्टी की, तो इस केस में जो सिस्टम है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिस्टम हमारा हो जाएगा मार्केट प्लेस. ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी वाले एग्जाम्पल में हमारा सिस्टम है मार्केट प्लेस. अब यहाँ पे जो वेरियस ब्रांड हम यूज करेंगे, है ना, जो वेरियस ब्रांड हम यूज करेंगे, उन ब्रांड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, क्योंकि कस्टमर क्या होगा, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच होगा, है ना, तो स्टेट एक कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली जो हमारा मशीन वाला एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करेंगे, मशीन का यूज करेंगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या रहेगी, दो स्टेट रहेगी, या तो मशीन वर्किंग कंडीशन में रहेगी या मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक, अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन है, मार्कोव चेन के कुछ अजम्पशन है. तो सबसे पहला जो अजम्पशन है, सबसे फर्स्ट अजम्पशन क्या है यहाँ पे, कि जब भी हम मार्कोव चेन की बात करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट है वो हमेशा कैसी रहेगी, फाइनाइट रहेगी. तो जो हमारा ब्रांड लॉयल्टी वाला एग्जांपल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो या तीन या चार ब्रांड की बात करेंगे जो कस्टमर यूज करेगा. ठीक है, या मशीन वाला एग्जांपल में हम कितने स्टेट की बात कर रहे हैं, टू स्टेट की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेट है वो कैसी है, फाइनाइट है. ठीक है, दूसरा क्या बोला आपको, दूसरा अजम्पशन, स्टेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसका मतलब क्या होगा, एक समय में केवल एक ही स्टेट पॉसिबल है. तो ये जो हमारा मशीन वाला एग्जांपल है, इसमें हम देखें मशीन या तो वर्किंग करेगी या मशीन वर्क नहीं करेगी, तो दोनों में से केवल एक ही स्टेट क्या रहेगी, यहाँ पे पॉसिबल रहेगी. ठीक है, तीसरा क्या अजम्पशन है हमारा, स्टेट आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबल स्टेट रहेगी वो हमें पहले से पता रहेगी. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी ब्रांड कस्टमर यूज कर रहा है वो हमें पहले से क्या रहेंगे, पता रहेंगे या नोन रहेंगे. ठीक है, और फोर्थ क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉन्स्टेंट ओवर टाइम. तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने की, वो क्या रहेगी, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी. तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे जाएंगे या एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करेंगे या सेम ब्रांड से सेम ब्रांड पे स्विच करेंगे, ठीक है, तो उस केस में किसी प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेंगे, स्विच करेंगे. कहने का मतलब क्या रहेगा कि जब हम सिंगल ब्रांड से सिंगल ब्रांड पे जाएंगे या सिंगल ब्रांड से किसी और ब्रांड को स्विच करेंगे, तो क्या चांसेस है कि हम दूसरे ब्रांड पे स्विच करें, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी. ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती क्या है जब हम स्टेट से स्टेट के अंदर स्विच करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और रिमेनिंग इन द सेम स्टेट ड्यूरिंग अ सिंगल टाइम पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेंगे या हम उसी सेम स्टेट में रहेंगे ड्यूरिंग अ सिंगल टाइम पीरियड, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे मार्कोव चेन में टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहता है वो डिस्क्रीट रहेगा, अपने जो भी हम पढ़ रहे पूरे वीडियो में डिस्क्रीट टाइम पीरियड रहेगा. डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा कि जो टाइम पीरियड रहेगा या तो वो वन मंथ रहेगा
या वो रहेगा क्वार्टरली रहेगा या एक वीक का टाइम रहेगा या एक ईयर का टाइम रहेगा। नॉर्मली हम एक ईयर का टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को, मैंने लिखा पी आई जे। तो ये पी आई जे, तो ये आई और जे क्या है, स्टेट है। तो ये आई और जे स्टेट है ना। तो आई का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, आई का मतलब रहेगा इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल हम कौन सी स्टेट में है। और जे का मतलब क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। जे का मतलब रहेगा नेक्स्ट स्टेट। तो देखो पी आई जे का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट स्टेट एस जे एट टाइम टी इक्वल्स टू वन। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको देख रखी है कि हम क्या रहेंगे, टाइम टी इक्वल्स टू वन में अगली स्टेट में रहेंगे। और गिवन क्या है कि इनिशियली हम कौन सी स्टेट में है, एस वन स्टेट में है, कितने टाइम में, टी इक्वल्स टू जीरो में। मतलब इनिशियली मैं एस वन स्टेट में हूं, एस आई स्टेट में हूं, ये मुझे गिवन है। और अगली स्टेट में मैं कौन सी स्टेट में जाऊंगा, एस जे स्टेट में जाऊंगा, कब, टी इक्वल्स टू वन पे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी रहती है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। जब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, अब ये तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो गई, अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए जो हमारे थर्ड पेजेस में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का जो मूवमेंट रहता है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या मैट्रिक्स लिया है 3x3 का, इसमें मैंने तीन स्टेट लिए रो वाइज और तीन स्टेट लिए कॉलम वाइज, ठीक है। ये तीनों स्टेट एक जैसी है, S1, S2, S3 जो रो में है वही कायम रहेगा, कॉलम में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको, इनिशियली हम स्टेट S1 में हैं, मतलब n इक्वल्स टू जीरो पे हम कौन सी स्टेट में, S1 में हैं। तो क्या चांसेस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट स्टेट में वापस से क्या किस में रहूंगा, S1 में रहूंगा। मतलब n इक्वल्स टू जीरो में मैं S1 में हूं तो n इक्वल्स टू वन में भी मैं किस में रहूंगा, S1 में रहूंगा। क्या चांसेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, P11। इनिशियली मैं S1 में हूं, अगली बार मैं S2 स्टेट में चले जाऊंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P12। तो देखो उसको हम लिखते कैसे, जो भी हमने लिखा था P11 का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कि हम कौन सी स्टेट में रहेंगे, अगली बार S1 स्टेट में रहेंगे, कितने टाइम पे, टी इक्वल्स टू वन में। और ये गिवन दैट, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट क्या गिवन देकर रखा आपको कि इनिशियली हम कौन सी स्टेट में है, S1 स्टेट में है, कितने टाइम पे, टी इक्वल्स टू जीरो में। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे हम S1 स्टेट में है ये आपको देके रखा है, और अगले टाइम टी इक्वल्स टू वन में, मतलब नेक्स्ट स्टेट में है ना, अगले टाइम टी इक्वल्स टू वन में हम कौन सी स्टेट में रहेंगे, S1 स्टेट में रहेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P11 है। तो ये P11 का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। ऐसी P12 की बात करूं तो P12 का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, P12 का मतलब होगा कि इनिशियली हम कौन सी स्टेट में है, S1 में। ये आपको गिवन रहेगा कि हम S1 में है एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और अगली बार हम कौन सी स्टेट में रहेंगे, S2 में रहेंगे, कौन से टाइम में, टी इक्वल्स टू वन में। तो इसको बोलेंगे P12 प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार अगर मैं P21 की बात करूं तो P21 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां देखें हम, अगर मैं P21 प्रोबेबिलिटी की बात करूं है दिस वन, तो इनिशियली हम कौन सी स्टेट में, S2 स्टेट में, टी इक्वल्स टू जीरो पे। तो S2 स्टेट में है टी इक्वल्स टू जीरो में, और अगली स्टेट में हम कौन से में रहेंगे, S1 में रहेंगे। तो S1 में हम रहेंगे टी इक्वल्स टू वन पे। अच्छा देखो यहाँ पे हम 0 से 1, मतलब एक साल में हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं ना, या एक महीने में यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हम केवल एक स्टेप में जा रहे हैं। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है इनको बोलेंगे अपन वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं यहां 0 से 1 में स्विच कर रहा हूं है ना, 0 से 1 टाइम में स्विच कर रहा हूं। तो इसको बोलेंगे हम वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अच्छा ऐसे ही टू स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आपको लिखा है P11 पावर में 2, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो इनिशियली हम S1 स्टेट में हैं, कौन से टाइम में, टी इक्वल्स टू जीरो में। मतलब टी इक्वल्स टू जीरो में अगर हम S1 में हैं और हम वापस से टी इक्वल्स टू 2 में, कौन सी स्टेट में, S1 में। मतलब मैं 0 से 2 तक आया, मतलब कितने स्टेप में आया, मैं 2 स्टेप में आया। तो इसका मतलब क्या होगा, P11 की पावर 2 होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं स्टार्ट करा 0 से, S1 में था और वापस से S1 में आऊंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P11। कितनी स्टेप में आ रहा हूं यहां पे, 2 स्टेप में। इसके पहले वाले में कितनी स्टेप में आ रहा था मैं, 1 स्टेप में ना, 0 से 1 में आ रहा था, ठीक है। अब यहां पे क्या आ रहे हैं, हम 0 से 2 में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है 2 स्टेप का, वो स्टेप से बनेगा, P की पावर 2,
ये स्टेट S1 S2 S3 आ गई और ये स्टेट J आ गई, S1 S2 S3 नेक्स्ट स्टेट आ गई। तो यहां पर सभी प्रोबेबिलिटी का केवल स्क्वायर कराया अपन ने, ठीक है। तो सभी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर करा, इसका मतलब क्या रहेगा यहां पे कि ये सारी प्रोबेबिलिटी दो स्टेप में मिल रही है हमें, ठीक। जैसे P12 का स्क्वायर है तो इनिशियली हम S1 में है T=0 पे, और T=2 पे कायम पहुंच जाऊंगा मैं, S2 पे पहुंच जाऊंगा, है ना। तो ये होती है हमारी टू स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो जो n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होती है, P11 की पावर n, कि इनिशियली हम S1 में है एट टाइम T=0 में, ये आपको गिवन है, और T=n में भी हम कायम में रहेंगे, S1 में रहेंगे। तो ये क्या होगा, P11 की पावर n हो जाएगा, S1 से S1, 0 से n टाइम में। तो P11 की पावर n हो गया मतलब S1 से S1 में जा रहे हैं n स्टेप में, तो इसको बोलेंगे n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। और इसमें P की पावर कितनी होगी, n होगी, ठीक है। तो यहां पे सभी प्रोबेबिलिटी की पावर n होगी, इसका मतलब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेप में, स्टेट में n स्टेप में जा रहे हैं ना, मतलब n टाइम मूव कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट यहां पे एक चीज ध्यान के रखना है आपको, ये जितनी भी अपना TPM है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, इसमें सभी जो एलिमेंट है ये प्रोबेबिलिटी रहेंगे। तो इसके कुछ अजम्पशन है, तो सबसे पहला अजम्पशन क्या रहेगा कि यहाँ पे रो का सम कितना रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। जो TPM रहता है इसमें रो का सम कितना रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। रो का सम 1 क्यों रहेगा, उसका रीजन क्या है कि रो क्या शो कर रही है, यहाँ पे करेंट स्टेट शो कर रही है, और करेंट स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो किसी प्रोबेबिलिटी के साथ मूव करेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा, ये सारी रो में प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसलिए रो का सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। कॉलम का सम 1 रहे या ना रहे ये जरूरी नहीं है, बट रो का सम हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। दूसरा अजम्पशन क्या है, जितने भी एलिमेंट है टीपीएम के वो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इसका मतलब वो नॉन नेगेटिव रहेंगे और सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स रहेगा वो हमेशा स्क्वायर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि रो क्या शो कर रही है यहाँ पे, इनिशियल स्टेट, और कॉलम क्या शो करेगा, अल्टरनेटिव स्टेट शो करेगा, है ना, नेक्स्ट मूव में या नेक्स्ट स्टेट में, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक। अब इसमें एक चीज और होती है कि जो टीपीएम मैट्रिक्स रहता है इसमें हम देखो रिटेंशन लॉस, रिटेंशन गेन ये भी देखते हैं। तो अगर मैं रो वाइज मूव करूं तो रो वाइज क्या होता है, यहां पे क्या शो होता है, रिटेंशन एंड लॉस, ठीक है, रिटेंशन एंड लॉस। अगर मैं रो वाइज मूव करता हूं तो इसका मतलब होता है रिटेंशन एंड लॉस। अगर मैं कॉलम वाइज मूव करता हूं तो इसका मतलब होता है रिटेंशन एंड गेन। और जो डायगोनल के एलिमेंट है कि मैं S1 से S1, S2 से S2, S3 से S3 पे जा रहा हूं तो इसका मतलब होता है रिटेंशन, ठीक है, मतलब एक ब्रांड से एक ब्रांड पे रिटेन कर रहे हैं, ठीक। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट इजीली समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या देके रखा है यहां पे कि इन अ सर्टेन मार्केट ओनली 2 ब्रांड्स, ठीक है, किसी सर्टेन मार्केट में हम 2 ब्रांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि सर्टेन मार्केट में हम 2 ब्रांड यूज कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, ए और बी, ठीक है, ए और बी ब्रांड की बात कर रहे हैं। तो क्या देके रखा है कि किसी आदमी ने लास्ट परचेस क्या किया, ब्रांड ए परचेस किया, तो देयर इज 80% चांस कि ही वुड बाय द सेम ब्रांड इन द नेक्स्ट परचेस। मतलब किसी आदमी ने ब्रांड ए परचेस किया और 80% चांस है कि अगली बार भी वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम भी वो सेम ब्रांड को परचेस करेगा, ठीक है। वाइल इफ ए मैन परचेस ब्रांड बी, तो कोई अगर आदमी ब्रांड बी परचेस कर रहा है तो देयर इज 90% चांस दैट हिज नेक्स्ट परचेस वुड बी ब्रांड बी। तो 90% चांस है कि वो अगली बार वापस से क्या करेगा, ब्रांड बी को परचेस करेगा यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, डेवलप करना है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और इंटरप्रेट करना है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स किसकी टर्म में, रिटेंशन एंड लॉस, रिटेंशन एंड गेन, और हमें ड्रॉ करना है ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब देखो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम समझते सो कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें क्या बोला है कि 80% चांस है कि जिस आदमी ने ब्रांड ए परचेस किया अगली बार वापस से वो ब्रांड ए परचेस करेगा, ठीक है। तो यहां पे 2 ब्रांड की बात करें, ए और बी, तो मैंने यहां क्या करा, 2x2 का मैट्रिक्स बना लिया। तो प्रेजेंट परचेस n=0 पे ब्रांड ए और बी है, और नेक्स्ट परचेस भी क्या रहेगी, n=1 पे ब्रांड ए और बी रहेगी।
तो पहली बार वो ब्रांड ए ले रहा है इनिशियली, और अगली बार वापस से ब्रांड ए लेगा, इसके चांस कितने हैं? 80% बोले हैं, मतलब कितना हो जाएगा ये 0.8 हो जाएगा 80% में, ठीक है। सिमिलरली इनिशियली कोई बंदा ब्रांड भी खरीद रहा है, अगली बार वापस से वो ब्रांड भी खरीदेगा, इसके कितने चांस देके रखे आपको क्वेश्चन में? 90%, दैट मीन्स 0.9 देके रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, मैट्रिक्स को बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होता है, रो का सम 1 होता है, तो ए से ए पे 80% चांस है, तो ए से बी पे कितने चांस हो जाएंगे यहाँ पे 0.2 हो जाएंगे, है ना। हमने क्या करा, 1 में से 0.8 माइनस कर दिया, 20% चांस, ठीक है। सिमिलरली बी से ए पे कितने चांस होंगे, बी से बी पे 90% है, तो बी से ए पे कितने चांस हो जाएंगे, 1 में से 0.9 माइनस कर दो, दैट मीन्स 0.1 हो जाएंगे। अब देखो रो का सम क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, रिटेंशन एंड लॉस की बात करना है पहले, तो है ना, जो बी वाला पार्ट है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम रो वाइज चले तो रो वाइज क्या होता है, रिटेंशन एंड लॉस होता है, ठीक है, और कॉलम वाइज क्या होता है, रिटेंशन एंड गेन होता है, ठीक है। अब रिटेंशन एंड लॉस की बात करूं तो ये जो पहली प्रोबेबिलिटी है P11, इसको P11 बोलूंगा, P12, P21 और P22, तो इसको मैं बोलूंगा P11, या किसी बुक में इसको आपको PAA भी मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, हम A से A पे जा रहे हैं, मतलब इनिशियली हम A परचेस कर रहे हैं, अगली बार भी हम A परचेस कर रहे हैं, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूं, तो आप कोई सा भी नोटेशन यूज कर सकते हैं कि हम क्या है A स्टेट में रहेंगे नेक्स्ट टाइम कितने टाइम पे, एट टी इक्वल्स टू 1 पे, और आपको क्या गिवन है कि इनिशियली हम काय में है, ए में है, कितने पे, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे हम ए पे है, और अगली बार भी हम ए पे रहेंगे टी इक्वल्स टू 1 में, तो इसको बोलेंगे P11। तो आपको जो P11 है वो कितना देके रखा है यहाँ पे, 0.8, या दिए के रखा है 80%, मतलब ए से ए पे रिटेंशन कितने का हो रहा है यहाँ पे, 80% का हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन टू ए। मतलब जो कस्टमर है पहली बार ब्रांड ए खरीद रहे हैं, अगली परचेस में फिर से वो ब्रांड ए को ही खरीदेंगे, इसके कितने चांस है, 80% चांस है, ठीक है। अब ऐसा नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, P12, है ना, तो P12 क्या लिखूंगा मैं, P, अब हम कहां से कहां जा रहे, A से B पे स्विच हो गए, मतलब हम A से B पे चले गए, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब नेक्स्ट में हम कहां B पे चले गए, तो B पे गए नेक्स्ट में एट T इक्वल्स टू 1 पे, गिवन दैट हम काय में थे इनिशियली A पे थे, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली हमने ब्रांड ए परचेस किया और अगले इसमें हमने ब्रांड बी परचेस कर रहे हैं ना, तो इसके कितने चांस है, 20% है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो P12 है वो कितना हो गया यहाँ पे, 0.2, या इसका मतलब हो गया 20%। तो इनिशियली जो लोग ब्रांड ए परचेस कर रहे थे, अगली बार वो ब्रांड बी परचेस करेंगे, ऐसे कितने लोग है, 20%, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लॉस टू ए, मतलब ब्रांड ए को क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखें रिटेंशन एंड गेन की बात करूं, ये रिटेंशन एंड लॉस हो गया, अब मैं सेकंड में क्या बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा यहां पे रिटेंशन एंड गेन, है ना। अब रिटेंशन एंड गेन की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या बोला, कॉलम वाइज होता है रिटेंशन एंड गेन, तो हम पहले कॉलम को देखें, तो पहले कॉलम में अगर हम देखें तो पहले कॉलम के ऊपर ब्रांड ए लिखा है, अब ए से ए पे कितने रिटर्न हो रहे हैं, 80%, है ना, तो ये तो हम देख चुके P11 है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये P11 हो गया, ये P12 हो गया, अब ये P21, तो P21 क्या शो करेगा, P21 क्या शो करेगा, हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, बी से ए पे मूव कर रहे हैं ना, बी से ए पे जा रहे हैं, कितने परसेंट जा रहे हैं यहाँ पे, 10%, है ना, 0.1 मतलब 10%, इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियली हम किस पे थे, बी पे थे, कितने टाइम पे, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट टाइम हम काय पे आ गए, ए पे आ गए, कितने में, एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, तो इसको बोलेंगे P21 या PBA, ठीक है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है P21 की, वो कितनी देकर रखी है आपको, 0.1 देके रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इनिशियली ब्रांड बी परचेस कर रहा था और अगली बार ब्रांड ए को परचेस करूंगा, ठीक है, इनिशियली ब्रांड बी परचेस कर रहे थे, अगली बार ब्रांड ए को परचेस करेंगे, कितने चांस है इसके, 10% चांस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो गया, ये किसको लॉस हो गया, ये लॉस किसको हो गया, लॉस टू बी हो गया, है ना, बी को लॉस हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं P22, तो P22 का मतलब क्या होगा, PBB लिख सकते हैं इस टाइप से,
मतलब इनिशियली मैं ब्रांड बी परचेस कर रहा हूँ और अगली परचेस में भी मैं ब्रांड बी को ही परचेस करूंगा, इसके कितने चांस है? 90% चांस है। इसका मतलब क्या होगा? 0.9 या 90%, है ना। इनिशियली ब्रांड बी परचेस कर रहा हूँ, अगली बार फिर से ब्रांड बी परचेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? रिटेंशन टू बी, मतलब ब्रांड बी पर रिटेंशन है कस्टमर्स का, ठीक है। अब हम देखें तो रिटेंशन एंड लॉस देखो रो वाइज आ रहा है, मतलब ए से ए पर रिटेंशन 80% है और ए से बी पे लॉस कितने का हो रहा है? 20% का हो रहा था, ये रिटेंशन एंड लॉस। ऐसे ही बी से ए पे कितने का लॉस हो रहा है? 10% का, मतलब जो बंदे बी यूज कर रहे हैं पहली बार में परचेस कर रहे हैं, अगली बार में ए परचेस करेंगे, ऐसे 10% लोग हैं, मतलब बी के जो कस्टमर है वो 10% किसमें कन्वर्ट हो गए? ए के ब्रांड में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली बी से बी पे कितने का रिटेंशन है? 90% का, तो ये रिटेंशन एंड लॉस हो गया। कॉलम वाइज रिटेंशन एंड गेन होगा, तो ए से ए पे कितना रिटेंशन है? 80% का, और ए को कितना गेन हुआ यहाँ पे? 10% का गेन हुआ, इसका मतलब रिटेंशन एंड गेन हो गया। सिमिलरली कॉलम टू की बात करूं ब्रांड बी की, तो ए से बी पे कितने लोग हैं? 20%, तो ये 20% गेन किसको हो गया? बी को हो गया, और 90% रिटेंशन किसका था? बी का। बी से बी पे कितना रिटेंशन था? 90% का रिटेंशन था, ठीक है। अब मुझे इसमें तीसरा क्या फाइंड बनाना है, मुझे एक और चीज पूछ ली थी क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, उसके बाद ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। अब देखो ट्रांजिशन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आपको देके रखी है, ठीक है, इसी से हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। तो उसमें हम जो स्टेट है, हम उसमें स्टेट को हम लिखते हैं सर्कल के अंदर। तो हमारे पास दो स्टेट है, दो ब्रांड है, तो दोनों ब्रांड ए और बी को मैंने सर्कल में लिख दिया। अब पहली रो को आप ध्यान से देखिए, ए से ए पे जा रहा हूं, कितने परसेंट चांस है? 80%, मतलब मैं ए से ए पे ही जा रहा हूं, है ना। तो एरो हमारा ऐसे ही रहेगा, ए से ए पे जा रहे, इसके कितने चांस है? 80%, मतलब 0.8 है, ठीक है। अब ए से बी पे जा रहा हूं, इसके कितने चांस है? 20%, मतलब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, इसके कितने चांस है यहाँ पे? 0.2, मतलब 20% चांस है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो की बात करें, बी से ए पे जा रहा हूं, इसके कितने चांस है? 0.1, मतलब मैं बी से ए पे जा रहा हूं, इसके कितने चांस है? 0.1, और बी से बी पे जा रहा हूं, इसके कितने चांस है? 0.9, मतलब बी से बी पे 90% रिटेंशन है। तो ये बी से बी पे क्या रहेगा? 90% क्या रहेगा? रिटेंशन रहेगा, 0.9। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। तो जितनी भी स्टेट रहेगी सर्कल में लिखना है, और प्रोबेबिलिटी को रो वाइज आप इसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहां से देखो हम दोनों स्टेट में मूव कर सकते हैं, तो एक जो स्टेट रहेगी ये कैसी रहेगी? ये रहेगी नॉन एब्जॉर्बिंग, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बिंग स्टेट रहेगी ये, मतलब जो ए और बी स्टेट है वो कैसी है? नॉन एब्जॉर्बिंग है। अगर मैं बी से ए पे नहीं जा पाता, है ना, यहाँ पे बी से ए पे नहीं जा पाता, बी से बी पे बंद रहता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हम एक क्वेश्चन और लगा रहे 3x3 मैट्रिक्स का, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो स्कूल है इंटरनेशनल स्टडीज का फॉर पॉपुलेशन, उसमें क्या देखा गया कि जो मोबिलिटी थी पॉपुलेशन की ऑफ ए स्टेट टू विलेज टाउन एंड सिटी इज इन द फॉलोइंग परसेंटेज। आपको परसेंटेज में डेटा दिया है कि विलेज से विलेज 50% मोबिलिटी है, विलेज से टाउन में 30%, विलेज से सिटी में 20%, ऐसे टाउन से विलेज, टाउन से टाउन, टाउन से सिटी, सिटी से विलेज, सिटी से टाउन, सिटी से सिटी की आपको मोबिलिटी देके रखी है। तो वही आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के टर्म में, रिटेंशन एंड लॉस के टर्म में, और बनाना आपको ट्रांजिशन डायग्राम। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है इनका जो अपन मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो जो हमारा सेकंड वीडियो है मार्कोव चेन का, उसमें आप देखना कि इसमें मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, है ना। स्टडी स्टेट के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा, थर्ड वीडियो, तो आप उसमें सब चीजें इजीली देख सकते हैं। तो अभी हम देखें यहाँ पे इसकी बात करिए, परसेंटेज में दिया था, इसको मैं डेसिमल पॉइंट में लिख सकता हूँ 100 से डिवाइड करके, तो मैंने इसको क्या करा, डेसिमल पॉइंट में नोट कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे रिटेंशन एंड लॉस की बात करना है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा, विलेज से विलेज पर रिटेंशन कितना है, ये P11, P12, P13, ठीक है। तो P11 कितना देकर रखा आपको? 0.5, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिटेंशन हो रहा है ना, किस पे? विलेज पे, रिटेंशन टू विलेज, मैं विलेज के लिए बी यूज कर लेता हूँ, चलो विलेज लिख देते हैं, रिटेंशन का हो रहा है, विलेज पे हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली P12 कितना है, तो P12 मतलब विलेज से टाउन पे कितने लोग जा रहे हैं? 30% लोग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? लॉस टू
विलेज, मतलब विलेज को क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया, मतलब इनिशियली जो बच्चे विलेज में थे अब वो कहाँ मूव हो गए, टाउन में मूव हो गए 30% बच्चे, फिर इनिशियली जो बच्चे विलेज में थे वो सिटी पर मूव हो गए अगली स्टेट में, जैसे कितने बच्चे 20%, मतलब क्या हो जाएगा ये 0.2, मतलब ये क्या हो जाएगा लॉस टू विलेज, ठीक है लिख सकते हैं ऐसे ही। आप इसको चाहे तो जो नोटेशन बताइए टाइम की उसमें आप लिख सकते हो, है ना। तो जो रो है वो क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है आपको रिटेंशन एंड लॉस, और जो कॉलम है वो क्या बता रहा है आपको रिटेंशन एंड गेन बता रहा है, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो सेकेंड रो में क्या आ जाएगा यहाँ पे P21, तो P21 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1 है, इसका मतलब टाउन से विलेज में कितने लोग चले गए 10% लोग चले गए, तो 0.1 इसका मतलब क्या हो गया लॉस टू टाउन, तो टाउन को 10% का लॉस हो गया, तो गेन किसको हुआ, अगर टाउन को 10% का लॉस हुआ तो इसका मतलब 10% का गेन किसको हो रहा है विलेज को हो रहा है, तो आप P21 को लॉस टू टाउन लिख सकते हो, एंड क्या लिख सकते हो, एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं गेन टू विलेज, ठीक है गेन टू विलेज। सिमिलरली P22 कितना देकर रखा आपको 0.7 देकर रखा है, इसका मतलब टाउन से टाउन में कितने लोग रिटर्न होगा 70%, है ना, मतलब ये क्या हो गया रिटेंशन हो गया, ये हो गया रिटेंशन टू टाउन, ठीक है टाउन से टाउन में रिटेंशन कितना था 70% का। सिमिलरली P23, तो P23 की अगर मैं बात करूं तो P23 कितना है 0.2 है ना, तो 0.2 इसका मतलब क्या हो गया कि टाउन से सिटी में कितने लोग चले गए 20% लोग, मतलब इनिशियली जो लोग टाउन में थे अगली स्टेट में वो सिटी में चले गए, ऐसे 20% लोग थे, मतलब क्या हो गया ये लॉस टू टाउन, मतलब टाउन को क्या हो गया लॉस हो गया, अब टाउन को लॉस हुआ तो गेन किसको हो गया यहाँ पे सिटी को गेन हो गया, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हम देखें तो P31 कितना है, P31 है 0.1, मतलब सिटी से विलेज में कितने परसेंट लोग गए 10% लोग चले गए, सिटी से टाउन में कितने परसेंट लोग गए 40% लोग चले गए, और सिटी से सिटी में कितने रहे यहाँ पे 50% लोग रहे, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना रिटेंशन एंड लॉस का मैट्रिक्स बन गया, है ना। अब हम इसमें क्या बनाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे कि जब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं तो हमें ये मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है, और इसी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे ट्रांजिशन डायग्राम, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है यहाँ पे तीन स्टेट है विलेज टाउन और सिटी, तो विलेज को मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है टाउन को मैं टी लिख रहा हूँ, और सिटी को मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है विलेज टाउन और सिटी है तो विलेज को मैं वी लिख रहा हूँ, टाउन को टी लिख रहा हूँ, और सिटी को सी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे रो वाइज देखें तो विलेज से विलेज में 50% लोग हैं, तो विलेज से विलेज में कितना रिटेंशन है 0.5 का, फिर विलेज से टाउन में कितने लोग जा रहे हैं कितने लोग स्विच हो गए 0.3, मतलब 3% लोग स्विच हो गए, फिर विलेज से सिटी में कितने लोग गए 0.2, तो विलेज से सिटी में कितने लोग गए 20% लोग चले गए, ठीक है तो 20% लोग विलेज को लॉस हो गया तो गेन किसको गया सिटी को गेन हो गया। अब इसे सेकंड रो टाउन से विलेज में 10% लोग गए, तो टाउन से विलेज में कितने लोग गए 10% लोग गए, फिर टाउन से टाउन में कितने गए 70%, तो टाउन से टाउन में कितने लोग गए 70%, मतलब 0.7, फिर टाउन से सिटी में कितने गए 20%, तो टाउन से सिटी में कितने लोग गए 20%, मतलब 0.2, ठीक। फिर ऐसे सिटी से विलेज में कितने गए 10%, तो सिटी से विलेज में कितने लोग गए 10%, फिर सिटी से टाउन में कितने लोग गए सिटी से टाउन में कितने लोग गए यहाँ पे 40% 0.4, और सिटी से सिटी में कितने लोग रिटर्न हुए सिटी से सिटी में रिटर्न हुए कितने लोग 0.5, मतलब 50%, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम जो दो चीजें हमें पूछी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें हम आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर क्या निकालते हैं रिटेंशन, ये निकालते हैं कि कौन सा कस्टमर एक एक ब्रांड को यूज करेगा, है ना, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद, ठीक है ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारा सेकंड वीडियो देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।